नमस्कार, मैं बीके झा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा से आज वर्ग अष्ट के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक का पाठ संख्या 4, जिसका नाम है सच्चा तीर्थयात्री। इसके लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। लेखक ने इस पाठ को पढ़ा करके लियो टॉल्स्टॉय ने इस पाठ को पढ़ा करके हमें बताना चाहे हैं कि सच्चा तीर्थयात्री कौन होती है। हमारे समाज में बहुत सारी धर्मांधता है, धर्मों के प्रति हमारा ऐसा अंधविश्वास है जो हमारे समाज के विकास में बाधक सिद्ध होता है। टॉल्स्टॉय ने इस कहानी के माध्यम से यह बताया है कि जब हम किसी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए हजारों लाखों रुपया खर्च करने को तैयार रहते हैं, हमारे आस पड़ोस में उन पैसों से अपनी जान बचाने के लिए पैसे के बगैर मरने वाले इंसान करा रहे होते हैं, हमारी नज़र उधर नहीं जाती, हम उन्हें मदद नहीं करना चाहते, हम जिंदा भगवान का पूजा नहीं करना चाहते, अपनी उस धर्मांधता को निभाने के लिए, अपनी मन की शांति के लिए उन पैसों को बाजारों में, गाड़ियों में, होटलों में थूकने के लिए तीर्थयात्रा के नाम पर निकल जाते हैं। यह तीर्थयात्रा नहीं होता। तीर्थयात्रा हमारी आत्मा की शुद्धता है। हम तीर्थ में जाएं, लेकिन तीर्थ में जाने से पहले हमारी आत्मा में यह बात हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी की मंगल कामना हो, विश्व शांति की कामना हो, विश्व की मंगल की कामना हो, कि भगवान हमारे समाज को सही रखना, इसमें चेतना जगाना कि वह एक सच्चा इंसान बने, इंसान बनकर इंसान की मदद करे, इंसान की सहायता करे, इंसानियत के मार्ग पर चले। यह जो करने वाले लोग हैं वही सच्चा तीर्थयात्री है। तीर्थयात्रा वह नहीं होता कि हम विभिन्न स्थानों पर जाकर के, उसे हम तीर्थयात्रा नहीं पर्यटन कह सकते हैं। पर्यटन के घूमने के, घुमक्कर जीवन जीने के लिए, अपने मन को आनंदित करने के लिए हम भगवान के नाम पर घर से निकलते हैं और लाखों फूक करके चले आते हैं। भगवान की प्रसन्नता उसमें नहीं है। भगवान की प्रसन्नता, कबीर ने लिखा है कि भगवान का वास जीवों के सांस में है। जीव के अंदर में जो चेतना है वह भगवान है। इस चैतन्य स्वरूप भगवान का अगर आप आराधना कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, तो आप पर परमात्मा निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे समाज में, हमारे इतिहास में आए हुए हैं जो निश्चित रूप से मोक्ष की भागी बने भगवत कृपा से। जैसे हम मदर टेरेसा का नाम लेंगे, कोई तीर्थयात्रा नहीं, असहाय निराश्रित का सेवा करना उनका धर्म था। महात्मा गांधी का उदाहरण दे सकते हैं। महात्मा गांधी कभी ऐसे तीर्थयात्रा पर नहीं गए जहां पर सिर्फ भगवत दर्शन हो। भगवत दर्शन तो हम जीवों के अंदर कर सकते हैं। हमारे जितने भी धर्मशास्त्र हैं, सभी धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि भगवान संसार के कण कण में विराजमान हैं, चेतन अचेतन सब में हैं। अचेतन तत्व का भी रक्षा करना भगवान की रक्षा है। प्रकृति में जितने भी जीव निर्जीव वस्तुएं हैं, सब में भगवान की वास है। भगवान की सुरक्षा, भगवान की सेवा प्रकृति की सेवा है, प्राकृतिक अवयवों की सुरक्षा है, न कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर और गुरुद्वारों में जाकर के माथा टेकने से हमारी तीर्थ यात्रा होती है। तीर्थ यात्रा को पूरा करने के लिए
टॉल्स्टॉय ने इसमें बताया है कि हम दीनहीन और जरूरतमंदों की सेवा करें हमारा सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा है। इससे बड़ा तीर्थ यात्रा कोई नहीं है। जो ऐसा काम करते हैं वही सच्चा तीर्थ यात्री है, न कि वह सच्चा तीर्थ यात्री है जो अपने साथ में साजो सामान लेकर के घुमक कर जीवन घूम करके चारों तीर्थ का भ्रमण करते हैं। वह तो एज ए विजिटर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उनसे समाज का कोई फायदा नहीं होता। वह अपने मन को बहलाने के लिए घर से तीर्थ यात्रा के नाम पर निकलते हैं। तो सच्चा तीर्थ यात्री वही है जो समाज में जरूरतमंद जीवों को अपनी तन मन धन से सेवा करता है, वह सच्चा तीर्थ यात्री है। आज इस वीडियो के माध्यम से इस कहानी का सारांश दिए हैं। अगले वीडियो में हम फिर इसको बिंदुवार पढ़ेंगे। धन्यवाद।